साई श्रद्धा सेवा मंडल के अध्यक्ष और बीजेपी के युवा नेता प्रकाश रमेश शिवालय के प्रयास से विधायक प्रसाद लाड़ और अंत्योदय फाउंडेशन ने सायन कोलीवाड़ा के महाड़ा कॉलोनी के स्कूली बच्चों को मुफ्त में पुस्तक देने का अनोखा उपक्रम शुरू किया है। मी मुंबई अभियान के तहत विधायक प्रसाद लाड़ के हाथों एक मुफ्त पुस्तक पेढ़ी की शुरुआत की गई, जिसके तहत पांचवी कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट को मुफ्त में पुस्तक दिए जाएंगे। इस अनोखे उपक्रम से लॉकडाउन में आर्थिक रूप से परेशान अभिभावकों को राहत मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग के बीच आयोजित इस मुफ्त पुस्तक पेढ़ी के उद्घाटन अवसर पर साई श्रद्धा सेवा मंडल और बीजेपी के सभी स्थानीय पदाधिकारियों के अलावा माड़ा कॉलोनी के स्कूली बच्चे और उनके अभिभावक मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, उसी माध्यम से इस बुक बैंक की आज हमने शुरुआत की है। ये पूरे मुंबई स्थित दक्षिण मध्य मुंबई में 25,000 बच्चों तक पहुंचने की हमारी संकल्पना है और उसके बाद पूरे मुंबई में 1,00,000 बच्चों तक पहुंचने की ये संकल्पना अंत्योदय प्रतिष्ठान और मी मुंबई अभियान के माध्यम से हम करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय देवेंद्र जी का हमें आशीर्वाद मिला है, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं इस बुक बैंक को कोई पक्षपात से जुड़ना नहीं चाहूँगा। जहाँ पे बच्चों का भवितव्य होगा, वो कोई भी धर्म जाति पार्टी का बच्चा हो, उनके पेरेंट कुछ भी करते हो, उससे हमें कुछ नहीं है। बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको मदद करने की काम अंत्योदय प्रतिष्ठान और मी मुंबई अभियान करेगा, यही आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि इस माध्यम से जो मेरा प्रयास है, अगर मैं साल भर में 25,000 बच्चों को बुक दे पाया तो मुझे ऐसे लगता है एक अच्छी पीढ़ी को इस भारत में संकल्पना के साथ बनाने का प्रयास मेरा पूरा हो जाएगा और इस माध्यम से मैं सच में देश की सेवा कर पाऊंगा। मैं यही बताना चाहूंगा कि ये जो बुक दे रहे हो, आपको पढ़ने के लिए दे रहे हैं। जैसे बैंक में हम लोग कुछ पैसे रखते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो निकालते हैं, वैसे बुक बैंक है जो आपको एक साल के लिए किताबें दी जाएगी, आपको उसके साथ पढ़ाई करना है, आपको संभाल के पढ़ना है और अगले साल आप जब उसको देंगे और आप अगली कक्षा में जाओगे तो कक्षा का आपको फिर से नए बुक दिए जाएंगे। उसके अलावा जो ज़रूरतमंद बच्चे होंगे उनके आगे की पढ़ाई का खर्चा भी ये ट्रस्ट बाद में करेगी। उसके अलावा ई बुक के माध्यम से भी कुछ संकल्पना हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारा जो प्रयास है वो बच्चों के भवितव्य के लिए है, जो देश के भवितव्य के लिए बहुत ही जरूरी है। आज हमारे विभाग के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी का दिन है। आज अंत्योदय प्रतिष्ठान और मी मुंबई अभियान के अंतर्गत सम्माननीय आमदार प्रसाद लाड़ जी के मार्गदर्शन में जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विद्यार्थियों को जो फ्री में, जो पांचवी से लेके 15वीं तक विद्यार्थियों को जो फ्री में पुस्तक मिलेगा, ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही समझदारी का काम, विद्यार्थियों को उनको मार्गदर्शन देने का काम हमारे सम्माननीय आमदार प्रसाद लाड़ जी के मार्गदर्शन में हो रहा है और इसके लिए जो पूरी टीम जो है, हमारे जो दत्ता भाऊ हैं इनके मार्गदर्शन में, विजय पगारे जी के मार्गदर्शन में और पूरी टीम के मार्गदर्शन में, ये विद्यार्थियों के लिए सच में आज बहुत ही आनंददायी दिन है। और मैं खुद एक शिक्षक हूँ, मैं भाजपा शिक्षक अघाड़ी का संयोजक हूँ, इसके नाते ही प्लस मैंने विद्यार्थियों को देखा है कि कैसी कैसी समस्याएँ आती हैं, तो इसके लिए एक बार फिर से हमारे बिग बॉस जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। माधव प्रकाश रमेश शेवाळे, सम्माननीय आमदार प्रसाद लाड साहेबांचा यांचा कार्यकर्ता आहे। आज आमच्या इकडे विभागात अंत्योदय प्रतिष्ठान मी मुंबई अभियानच्या वतीने गरजू विद्यार्थ्यांना, गोरगरीब विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तक पेढी सुरुवात केली आहे। जे आता साहेबांचं स्वप्न यावर्षी 25,000 ते 5,00,000 व्हावं, तर ते स्वप्न आम्ही पूर्ण करू साहेबांचं। आणि आता तुम्ही बघतातच आहे की कसे विद्यार्थी आहेत, जे सामान्य घराण्यातले आहेत, त्यांच्या अभ्यासासाठी आम्ही सोय व्यवस्था करतो। असंच लहान पोरांचंच नाही, 5वी ते 14वीपर्यंतचा उपक्रम आहे हा। ही पुस्तकं नवी दिली जाणार, पुन्हा त्यांची ते घेऊन जुने नवीन दिले जाणार, हा उपक्रम वर्षानुवर्ष राबवणार आहे। हा आनंदाचा क्षण आहे, कारण बघा मुलांच्या लहान विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावरचं हास्य बघा त्यांनी, कारण त्यांना आता या शाळेचं, या वर्षी तर शाळेचं महत्त्व त्यांना कळालं नाही की काय आहे। तर आता घराघरात प्रत्येक मुलाला पुस्तकं जातील, अभ्यास करतील, त्यांचं वर्ष वाया जाणार नाही। मी तर आज बोलायला मला शब्द नाही आहे सन्माननीय आमदार प्रसाद लाड़ साहेबांच्या माध्यमातून, तसेच उद्योजक महिला उद्योजिका नीताताई प्रसाद लाड़
अंत्योदय प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आहे आणि मी मुंबई हम संघटनात हे लाड कुटुंबीय चालवतो त्यांच्या मार्फत या समाजामध्ये उपक्रम जे समाजाचं काही देणं आहे तर हे लाड फॅमिली ही नेहमीच देत राहतात पण आजचा जो उपक्रम आहे हा अविश्वसनीय आहे या विभागासाठी या जिल्ह्यासाठी मुंबईसाठी कोकणासाठी त्यांनी सांगितलं या विभागात सायंकुळेडा विभागातली जनता इकडं सामान्य घरातले एकदा ट्रॅन्झिट कॅम्प आहे 3,500 लोक राहतात इकडं 29 बिल्डिंग आहेत या सायंकुळेडा सगळ्यात जास्त स्लम एरिया आहे कोरोनाच्या काळामध्ये लोकांना अन्नधान्य नाही तर आई वडील शिक्षण काय देऊ शकतात वह्यांचं पुस्तकं वह्या पुस्तकं काय घेऊ शकतात काही लोक वह्या वाटतात साहेब आम्हीही वह्या वाटायचो पण साहेबांनी ह्यावेळी एक उत्कृष्ट कार्यक्रम इकडे राबवलेला आहे ज्या 5वी ते 15वीपर्यंत जे विद्यार्थी आहेत त्यांना हे नवीन टेक्स्टबुक घेऊन पुस्तकं त्यांना ज्यांना ज्यांना गरजू आहेत त्यांनी त्यांच्या अंत्योदय प्रतिष्ठानच्या मार्फत मुंबई मी मुंबई अभियान यांच्या मार्फत त्यांनी प्रकाश शेवाळेंनी जो कार्यक्रम या सर्वप्रथम इथं सुरुवात केला आहे आमदार प्रसाद लाड साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ते त्यांच्या इकडून सगळ्यांचे फॉर्म भरून घेऊन जातात आहे फॅमिली शीट त्याच्यामध्ये पूर्ण डिटेल येते याचं फॅमिलीची डिटेल या कारणाने की हे जे पुस्तकं तुम्ही आता पुस्तक पेढीतून नवीन पुस्तकं घेऊन जात आहात ते पुढच्या वर्षी तुम्ही पास झाल्याच्या नंतर ती पुस्तकं जी रिटर्न करून पतपेढीला पुन्हा नवीन पुस्तकं घेऊन जावा आणि जी मागील पुस्तकं जी वाचलेली आहे जी जुनी पुस्तकं आहे त्यांना परत रिफायनिंग म्हणजे बाइंडिंग करून ते पुन्हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी उपयोगी करून द्यावेत ही आमदार प्रसाद लाड व अंत्योदयच्या प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नीताताई प्रसाद लाड यांचा ही संकल्पना आहे आज या जिल्ह्यामध्ये 25,000 लोकांची जी संकल्पना आहे ती 5,00,000 कशी जाईल आणि त्यांचा सायन येथील बहुउद्देशीय केंद्र ज्याच्यामध्ये मेडिकल आरोग्य शिबिर असू द्या महिलांसाठी कार्यक्रम असू द्या किंवा एज्युकेशन सेक्टर असू द्या आता ई एज्युकेशन सेक्टर हा मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात भारतात राबवला जातो तर ई माध्यमातून ई शिक्षणाच्या माध्यमातून लोकांना शिक्षण हे घरोघरी पोचावा ज्यांच्या इकडं नेटची मोबाईलमधून नेटची जिथं गरज आहे तिथं त्यांनी ते वायफाय त्यांनी जे डोम बोलतात ते वायफाय त्यांनी सप्लाय केलेत लोक अजून जेवढे जेवढे शिक्षणासाठी लोकांना गरज आहे ती सगळी शिक्षणाची गरज आमदार प्रसाद लाड साहेब आणि नीताताई प्रसाद लाड यांच्या माध्यमातून सांगितलं आहे आणि सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस आणि नरेंद्र मोदी साहेबांचं एक स्लोगन आहे पढेगा इंडिया तो बढेगा इंडिया ती जी संकल्पना ही लाड कुटुंबियाच्या तर्फे आमदार प्रसाद लाड साहेबांच्या तर्फे नीताताई प्रसाद लाड यांच्यातर्फे ही राबवली जातात साहेबांना व वहिनी साहेबांना आमच्याकडून या उपक्रमाकडून खूप खूप आभारी आम्ही सायंकुळवाडा त्या जनतेतर्फे आभारी व्यक्त करतो कैमरामैन इकबाल शेख और रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव ग्लोबल चक्र न्यूज़ मुंबई।